आपको दिखाऊंगी कि वीडियो स्क्राइब में कोई भी वीडियोस बनाना हो तो जूम इन और जूम आउट बटन को कैसे यूज करते हैं और उसका कितना इम्पोर्टेंस है हमारे वीडियोस बनाने में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इस पेज पे जाके आप अपने वीडियो स्क्राइब को लॉग इन करिए और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू स्क्राइब इसको क्लिक करिए। आप जब इसे क्लिक करेंगे तो ये आपका फ्रंट पेज ओपन हो जाएगा। फ्रंट पेज ओपन होने के बाद नीचे यहाँ एक ऑप्शन आता है ऐड न्यू इमेज, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपके पास ऐड सर्च आइटम्स हैं। यहाँ पे आप कुछ भी जो आपको चाहिए वो आइटम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप इनमें से भी चूज़ कर सकते हैं। राइट नाउ मैं अपना बैकड्रॉप्स को यूज़ करूँगी तो मैंने बैकड्रॉप्स लेके ये ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लिया। अब मेरा ये जो बैकड्रॉप है ये छोटा है और मेरा जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, पर मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये जो बैकग्राउंड है ये फुल मोड पे चला जाए। आप यहाँ से इसको ड्रैग भी कर सकते हैं मगर ये उतना कंप्लीट इजी नहीं होता है, तो सबसे अच्छा ऑप्शंस है और इजी कि यहाँ पे आपको जूम इन और जूम आउट ऑप्शंस दिए हुए हैं जो आपको ये बताता है कि इस समय आप स्क्रीन 100% है फिट टू स्क्रीन, तो और उसके लेफ्ट राइट में जूम इन और जूम आउट का ऑप्शंस है। आप यहाँ पे जूम इन करके अपने रिक्वायरमेंट से जितना आपको चाहिए पूरा आप इसे बैकग्राउंड बना सकते हैं। मुझे ये एज अ बैकग्राउंड चाहिए था फॉर माय फ्रंट पेज, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट बैकग्राउंड बना दिया। नेक्स्ट आप प्रॉपर्टीज में जाइए और प्रॉपर्टीज में अपने हिसाब से आपको जो भी चाहिए, जैसे भी ड्रॉ करना है ड्रॉ, मूव इन करना है मूव इन, आप इसको चूज कर सकते हैं। मुझे सब कुछ ज़ीरो चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे हैंड भी नो हैंड चाहिए, क्योंकि मुझे ये स्टार्ट करना है अपना बैकग्राउंड इस पेज से, इसलिए मैंने सब कुछ ज़ीरो रखा है। आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यहाँ पे सेट कैमरा है, इसको आप करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने सेट कैमरा नहीं यूज़ किया तो आपकी इमेज वैसी नहीं आएगी जैसी आपको चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब ये इमेज क्रिएट होने के बाद आप कुछ इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ऐड न्यू टेक्स्ट में जाइए और आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग ऑप्शन, जैसे मैंने ये टाइप किया है। अब मैंने मुझे ये यहाँ चाहिए और ये थोड़ा सा बड़ा हो इस तरीके से, तो आप जैसे भी चाहते हैं जहाँ पे भी चाहते हैं अपने राइटअप को प्लेस कर सकते हैं ऑल ओवर द पेज कहीं पे भी। और उसके बाद आप सेट कर दीजिए कैमरे को, प्लस आप प्रॉपर्टीज में जाके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ड्रॉ करना है या मूव इन डायरेक्ट करना है या फिर आपको रिवर्स में लिखना है या आपको एनिमेशन कितना चाहिए, आपको पॉज टाइम कितना चाहिए, ट्रांजिशन कितना चाहिए, आप अपने हिसाब से सेट करके हैंड चाहिए कि नहीं चाहिए और अगर चाहिए तो कौन सा चाहिए, यू कैन चूज इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। ये सब चूज करने के बाद आप ओके कर दीजिए और सेट कैमरा फिर से कर दीजिए। ये मेरा फ्रंट पेज रेडी हो गया है। अब मैं आपको और इमेजेस थोड़ा ऐड करके दिखाती हूँ फॉर द नेक्स्ट पेज। तो अब आप फिर से ऐड न्यू इमेज पे जाइए और यहाँ से आप कुछ भी चूज करिए। मैं यहाँ पे ये सीनरी यूज़ करती हूँ, इसको ड्रैग करके नीचे ले आती हूँ। देखिए अब मेरा फ्रंट पेज तो ग्रीन था जो हमने चूज़ किया था, अब मेरा सेकेंड पेज पूरा कंप्लीट वाइट है। तो अब मैं इसको बड़ा करती हूँ, जितना चाहे उतना यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से बताती हूँ यहाँ से करना उतना कन्वीनियंट नहीं होता है, तो आप ये बटन्स को यूज़ करिए जो जूम इन और जूम आउट के दिए हैं। यहाँ से प्लस को करते जाइए जितना आपको चाहिए, मुझे इतना ही बड़ा चाहिए क्योंकि ये सीन ऐसा है इसलिए ये कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद
अब मुझे फिर भी ये वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, पहले सेट कैमरा कर देते हैं। और यहाँ पे ऑप्शंस आता है बैकग्राउंड ऑप्शंस, यहाँ को आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट ऑप्शन, डिफरेंट टेक्सचर सब मिल जाएंगे। मैं वाइट से चेंज करके इसको सनसेट पे ऑरेंज बना देती हूँ। ये देखिए अब मेरा कलर ऑरेंज हो गया है बैकग्राउंड। अब नेक्स्ट क्या करूँगी, मैं फिर से, आप अपनी प्रॉपर्टीज में जाके इसको सेट कर सकते हैं कि आपको इसे ड्रॉ करना है, मूव इन करना है, वॉट एवर। अब मैं नेक्स्ट इमेज ऐड करके दिखाती हूँ। लाइक मैं ये कार लेती हूँ, मेरी कार थोड़ी बड़ी है तो इसको मैं छोटा छोटा करके यहाँ पे पार्क करा देती हूँ इन फ्रंट ऑफ द होम। इतना होने के बाद मैं इसको फिर से सेट कर देती हूँ और एक नई इमेज लेती हूँ, वुमेन विद द स्ट्रॉलर। अब ये देखिए, अब ये नई चीज़ है कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये कहती है कि वुमेन शुड फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन विद द स्ट्रॉलर। तो आप कैसे इसे चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फ्लिप इमेज, उसे क्लिक करिए तो इमेज फ्लिप हो जाएगी। आप उसे और क्लिक करेंगे तो ये 360 डिग्रीज में रोटेट होके आपको आपकी रिक्वायरमेंट से फ्लिप हो जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ से चेंज करिए जो भी आपको चेंज करना है, और नो हैंड कर देती हूँ, आपको नो हैंड करके भी दिखा देती हूँ। और इसको मैंने छोटा करके यहाँ लगा दिया। ऐसा लग रहा है कि लेडीज कमिंग आउट ऑफ होम फॉर हर कार, शी इज गोइंग फॉर समवेयर। ये देखिए, ये करने के बाद मैं इसको फिर से सेट कर देती हूँ कंप्लीट सेट करके। अब हम इसे फिर से फ्रॉम द बिगिनिंग प्ले करके देखते हैं, प्ले फ्रॉम हियर। ये देखिए मेरा बैकग्राउंड था, जूमिंग ऑप्शन था, मैं यहाँ जूम एट एंड जो है इसको हटा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा आपका बैकग्राउंड, हर पेज पे आप डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड कर सकते हैं, आप उसको जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। सिर्फ दो बटन्स को यूज़ करके आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं। होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।